देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक जानते हैं शिक्षण विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के बारे में इसमें जानते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बीएड फर्स्ट ईयर अवध विश्वविद्यालय के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए और थर्ड पेपर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि समस्या समाधान विधि होता क्या है। यह विधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, समस्या और समाधान। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि समस्या समाधान विधि बहुत ही प्रचलित विधि है। इसमें अध्यापक हो जो होते हैं वो विद्यार्थियों के समक्ष में समस्या को प्रस्तुत करते हैं, और जो विद्यार्थी हैं जो भी नियम सीखे हैं सिद्धांत और प्रत्ययों की सहायता से कक्षा में उस समस्या का हल ज्ञात करते हैं। इसी को समस्या समाधान विधि कहते हैं। शिक्षक समस्या प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी सीखे हुए नियमों सिद्धांतों तथा प्रत्ययों की सहायता से उससे उसका हल ज्ञात करते हैं, उसका समाधान करते हैं। अब देखिए, जैसे अंकगणित बीजगणित ज्यामिति में समस्याओं के माध्यम से अध्यापन किया जाता है, ठीक है। वाणिज्य की पुस्तकों में भी प्रयोग उप विषय से संबंधित समस्याओं का संकलन होता है तथा विद्यार्थी इनके हल ज्ञात करते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा विषय को सीखते हैं। तो समस्या समाधान विधि द्वारा ही गणित के अंकगणित बीजगणित ज्यामिति वाणिज्य की पुस्तकें इन सारे प्रश्नों का हल समस्या समाधान विधि के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें अध्यापक एक समस्या प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी सीखे हुए नियमों सिद्धांतों से उस समस्या का हल प्राप्त करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। एक दो पॉइंट और समझते हैं। देखिए, समस्याओं में विभिन्न तथ्य एवं परिस्थितियाँ होती हैं, हर बार अलग अलग समस्या भी मिल सकती है, और इनका संकलन इनकी कठिनता के स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। देखिए, आप जब भी प्रश्न का निर्माण करते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए एक समस्या कितना कठिन है, विद्यार्थियों के लिए है कि नहीं। प्रत्येक समस्या में नवीनता होती है, नई नई चीज़ें आती है, जिसके कारण विद्यार्थियों को हल ज्ञात करने की प्रेरणा मिलती है। इसकी विधि की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि उन्हें निर्माण करने की क्षमता पर, जो भी उसको निर्माण कर रहा है उसकी क्या क्षमता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है समस्या समाधान विधि की सफलता। अब इन सारे चीज़ों को एक बार कैसे समझते हैं? देखिए, एक कुशल अध्यापक स्वयं तथ्यों का संकलन करता है और विद्यार्थियों के क्षमताओं को ध्यान में रखकर समस्याओं का निर्माण करता है। आसान से शब्दों में समझना सबको, और फिर उन्हें कक्षा में हल करने के लिए प्रस्तुत करता है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी समस्या में दी हुई परिस्थिति का अध्ययन कर आवश्यकता अनुसार गणना माप आदि करते हैं तथा उसके उत्तर को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक समस्या का सफल विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रदान करता है तथा उनको आगे के उप विषय में आने वाली समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गई समस्या समाधान विधि की प्रस्तावना, व्याख्या, अर्थ। अब हम देखेंगे कि समस्या समाधान विधि को हल करने के लिए पद क्या है। आप किसी भी समस्या समाधान विधि को अगर विद्यार्थी हल करता है तो उसके चरण क्या है, स्टेप क्या है, सोपान क्या है, पद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो समस्या में दिए गए तथ्यों तथा उनके संबंधों को समझना पड़ेगा, फिर समस्या का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर संभावित हल खोजना पड़ेगा, और हल को प्राप्त करने के लिए सही गणना करना पड़ेगा, और समस्या जब हल ज्ञात हो जाए तो उसका पुनः जांच करना पड़ेगा। तो यही समस्या समाधान विधि का क्या है, सोपान है, चरण है, पद है उसको हल करने के लिए। अब देखिए, समस्या समाधान विधि के गुण भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होंगे? तो देखिए, समस्या के द्वारा हम विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित परिस्थितियों का सही जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार से वाणिज्य विषय में सामाजिक महत्व को हम कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, विद्यार्थी को जब समस्या समाधान सॉल्व करेगा तो उसका विश्लेषण करने की क्षमता और उसका का विकास होगा तथा आवश्यकता एवं अनावश्यकता तथ्यों में विभेद कर सकेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है इस विधि के द्वारा। अब कभी कभी समस्या अपूर्ण तथ्य दिए होते हैं, इसका हल ज्ञात करने के लिए संभव नहीं, इसकी जानकारी समस्या के सही विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। तो विद्यार्थी को विश्लेषण करने की क्षमता विकास होगा और क्या आवश्यक है अनावश्यक तथ्य के बारे में उसको जानकारी होगी। बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। समस्या निवारण विधि के प्रयोग से बालकों में समस्या से जूझने की आदत पड़ जाती है, जो जीवन की सफलता की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक और लाभकारी होता है। इस विधि से बालकों में सही चिंतन तर्क का समुचित प्रयोग करने की आदत पड़ जाती है, और यह विधि उच्च गणित के अध्ययन में सहायक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि के गुण थे। लेकिन समस्या समाधान विधि के कुछ दोष भी हैं, दोष हैं, डीमेरिट्स हैं। अब वो डीमेरिट क्या है? देखिए, जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण
प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। ठीक है, पुस्तकों में अधिकांशतः परंपरागत समस्याओं का संकलन होता है जो पहले से चली आ रही हैं, और कभी कभी समस्याओं की भाषा अधिक कठिन एवं लंबी होती है जो बालकों के लिए कठिनाई प्रस्तुत करती है, और जीवन की परिस्थितियों में इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं कि सही तथ्यों का संकलन संभव नहीं। और बीजगणित तथा ज्यामिति में ऐसे अनेक उप विषय हैं जिसमें जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण संभव ही नहीं है। तो ये हो गई समस्या समाधान विधि के दोष। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ख़त्म करेंगे। आपने देखा समस्या समाधान विधि के दोष क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, इसके पद या सोपान क्या हैं, और आपने बेहतरीन तरीके से समझा कि समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन टीचिंग क्या होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ जानकारी मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपका कुछ फीडबैक है मेरे लिए तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। दोस्तों बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर आप इच्छुक हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है उससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करके पढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।